हाय दोस्तों, एक और वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 12 डिस्कवरी की। इस फोन के साथ आपको कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपने कभी किसी फोन में नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। यहाँ पर हम लोग अपना बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक छोटा बॉक्स मिलता है, उसमें बैक कवर है। अब बैक कवर को रखते हैं साइड में, देखते हैं। यहाँ पर 210 वॉट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 43 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है। कुछ चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको 210 वॉट का मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि 100% आपका फ़ोन 9 मिनट में चार्ज हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की बात कर दी है कंपनी ने। सिर्फ 9 मिनट, सोचिए। कोई चार्जर यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर हम लोग यहाँ पर चार्जिंग केबल की बात कर ले तो यहाँ पर मैं जैसे बताया टाइप सी टू टाइप सी है। अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करो तो आपको डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर मिलता है, जो माली G68 MC4 GPU के साथ आता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला है। आपको एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। MIUI मिलती है, LPDDR4X मिलती है। यहाँ पर LPDDR5 होता तो ज़्यादा बेटर था। UFS 2.2, अगर इसकी जगह 2.3 होता तो बेटर था। डिस्प्ले की बात करो तो 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी मुझे थोड़ी कम लगी, 1200 या 2000 निट्स ब्राइटनेस होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। 120 Hz का रिफ्रेश रेट है। HDR+ HDR10 का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर भी 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर बाकी दो कैमरे यहाँ पर कम है। अगर आपने 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया तो यहाँ पर आपको कम से कम 16 या 32 मेगापिक्सल का कैमरा देना चाहिए था। OIS सपोर्ट करता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में आपको डुअल सिम साइज, नैनो, 5G, 4G, 3G सबका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ऑन स्क्रीन मिलता है। ऑडियो जैक आपको 3.5 mm देखने को मिलता है यहाँ पर। तो फोन के यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। अगर जो इसका बेस वेरिएंट है 8GB+128GB, वो तकरीबन इंडिया में इसका 28,000 हो सकता है। 25,000 से 28,000 के बीच में इसकी प्राइस हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल टेक्नोबिट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।